जय श्री राम प्रिय भक्तों। प्रिय भक्तों, आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, या फिर दुख और समस्या नहीं भी हो, तो भी इस मंत्र को आप प्रतिदिन सुबह उठते ही, यानी कि जब भी आपकी आंख खुल जाए, या फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, उसमें उठ जाएंगे, तो फिर कहने ही क्या है। क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेला का, जिसमें अमृत बरसता है। परमात्मा की सारी शक्तियाँ उस वक्त वातावरण में विद्यमान होती हैं, और जितने भी संत महात्मा, ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, महापुरुष हैं, वो सभी उस समय पर जाग करके भजन, ध्यान, नाम जप, साधना करते हैं, तो उनकी शक्ति भी उस समय वातावरण में मौजूद होती है। तो उस शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से, संत महात्माओं, महापुरुषों की शक्ति से आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको अधिक लाभ होगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस मंत्र को बोलेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लीजिए। वैसे तो आपको बहुत से ग्रंथों में भी लिखा मिल सकता है, और YouTube पर भी लोग बताते हैं कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले होता है। हाँ, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन जो प्रम ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष भजन ध्यान करते हैं, वो प्रम ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और वो 3 बजे से शुरू हो जाता है, 3 से और 5 बजे तक वो रहता है। तो आप जब भी उठे, 3:30, 3, 4:30, 4, एक निश्चित समय बना लें, और प्रतिदिन उस समय पर उठ के आपको यह मंत्र बोलना है। देखो, इस दुनिया में अनेक मंत्र हैं, अनेक, लेकिन जो मंत्र बाद में बने हैं, यानी कि एक ऐसा मंत्र भी है जो अपने आप ही बना है, जो सृष्टि नहीं थी तब भी था और अब भी है, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, तो वही मंत्र सबसे शक्तिशाली है। वो मंत्र क्या है प्रिय भक्तों? वो मंत्र है परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, वही नाम मंत्र नहीं, महामंत्र है। सप्त कोटि मंत्रों से उस मंत्र को बढ़कर बताया है। उसे आप राम नाम कह सकते हैं, कृष्ण नाम कह सकते हैं। देखो, आप उस राम नाम की शक्ति को अभी तक जानते ही नहीं हो, आपने हल्के में ले रखा है। राम नाम में वो शक्ति है जिस शक्ति से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। शास्त्र ये कहता है कि एक बार राम नाम बोलने मात्र से इंसान को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, जो भी वो चाहे वो मिलती है। एक बार राम नाम बोलने मात्र से गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पहाड़ लांग सकता है, बांझ पुत्र खिला सकती है, यहाँ तक कि अनेक जन्मों में किए हुए पाप सिर्फ एक बार राम नाम के बोलने से भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। जिस तरह से जब सूर्य भगवान निकल आते हैं, तो उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि आप अंधकार को दूर कर दो, अपने आप ही अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरह से जब आप भगवान नाम का निरंतर जप करते हो, तो सारे पाप अपने आप भस्म हो जाते हैं। जिस तरह से सूखी लकड़ियों में एक बार अग्नि की चिंगारी दिखा दी जाए, तो सब जल करके राख हो जाती हैं। इसी तरह से जिस भी तरह से आप भगवान नाम का जप करेंगे, वो निश्चित ही आपके सभी पापों को भस्म कर देगा। हम कई वीडियो में आपको कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास भाव से जपो, लेकिन हम इस वीडियो में कहते हैं कि आप श्रद्धा विश्वास भाव भी मत रखो, लेकिन आप जपना शुरू करो, करो बस। क्योंकि देखो, जहर को अगर खा लिया जाए, अगर जहर को आप अपनी मर्जी से खाएं, कोई जबरदस्ती खिला दे, या आप गलती से भी खा लेंगे, तो वह असर दिखाता है, आप मरेंगे ही मरेंगे। इसी तरह से अगर आप भगवान नाम का जप करेंगे, चाहे गलती से ले लें, चाहे कोई जबरदस्ती जपवाए, चाहे आप अपनी इच्छा से जपें, वो असर दिखाता ही दिखाता, वो आपको तारेगा ही तारेगा, वो आपकी दुखों समस्याओं को दूर करेगा ही करेगा।
अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के नाम का निरंतर जप करते हो तो निश्चित ही चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, आपका दूर होगा। फिर आपको किसी भी पंडित के पास घूमने की जरूरत नहीं, मौलवियों के पास घूमने की जरूरत नहीं, कहीं और मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आप ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली नाम है उस नाम को उठते ही प्रातःकाल जैसे ही आपकी आंख खुली उसका नाम जप रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, जैसा भी आप जानते हैं। कम से कम शुरुआत करें 5 मिनट तो उस नाम को अवश्य ही दे, क्योंकि जिस नाम ने आपको ये पूरा जीवन दिया है, जिस नाम की वजह से आपका ये शरीर चल रहा है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राम का नाम जपने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। निर्भर आप पर करता है कि आप ये सांसारिक वस्तुएं चाहते हैं या वो परम धन चाहते हैं, जो परम धन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राम नाम भजन में, नाम जप में आपको वो सुख मिलेगा, अन्य कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। संसार में सबसे धनी आदमी वही है जिसने राम नाम जप करके संग्रह कर लिया है। मर्जी आपकी है, अगर आप सांसारिक इच्छाएं पूरी करवाओगे तो वो धन आपका खर्च हो जाएगा। तो आप अगर सांसारिक वस्तुओं की कामना रखते हैं तो भी निश्चित ही आपकी पूरी होंगी, क्योंकि राम नाम को कल्प वृक्ष कहा गया है। आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। धन का खजाना आपके घर में गड़ा हुआ है और आप भीख मांगते दर दर घूम रहे, कितनी शर्म की बात है। उस खजाने को आपने अभी तक जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। जब उसको जानेंगे पहचानेंगे जभी तो उसका प्रयोग करेंगे। तो आज हमने आपको बता दिया है कि आपके पास ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी शक्ति है और वो आपके भीतर ही है। तो आप वाणी से जपते जपते आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उस शक्ति तक भी अवश्य ही पहुंच जाएंगे, जो राम नाम आपके भीतर है, जो आपके रोम रोम में कण कण में समाया हुआ है। एक बार उसको जपना शुरू कर दिए, जिंदगी ना बदल दे तो आप हमें कहना, ये हमारा दावा है। अगर निरंतरता से रोज नाम जप करेंगे तो निश्चित ही आपकी जिंदगी बदले। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो आप किसी भी समय जप लें, दिन में भी जप सकते हैं, रात को भी जप सकते हैं, चलते फिरते खाते पीते सांसारिक सब कार्य करते करते आप नाम जप करें, फिर देखिए ये नाम जप आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव लाता है। दुनिया पैसे खर्च करती है, इधर उधर भटकती है, कहीं पंडितों के पास जाते हैं, कहीं शानों के पास जाते हैं, कहीं किसी ने कुछ बता दिया, उन सब के करने से आपको लाभ नहीं मिलता और फिर अंत में आपको लौटकर नाम के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा। चाहे पढ़ लो चारों वेद, चारों वेद भी पढ़ लोगे, सारे ग्रंथ भी पढ़ लोगे तो भी नाम जप नहीं किया तो नरक में ही रहोगे, और अगर नाम जप कर लिया और किसी भी शास्त्र को नहीं पढ़ा तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया, सब तीर्थ ना लिए, सब आपने ग्रंथों का पठन कर लिया, आप स्वर्ग में ही रहोगे, हमेशा सुख ही रहेगा। बाकी प्रिय भक्तों, हमारा काम है समझाना और प्रभु को, प्रभु से आपको जोड़ना। मर्जी आपकी है आप कितना जुड़ते हैं कितना नहीं, जितना शीघ्र जुड़ जाएंगे, जितना जल्द समझ जाएंगे उतना ही लाभ होगा, अन्यथा पछताने के सिवा आपके पास दूसरा कोई उपाय ना था, ना है और ना ही होगा। सब जगह घूम के भी अंत में इस नाम के पास आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में नाम के बिना आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। सुख चाहिए, इच्छाएं पूर्ति करवानी है तो केवल और केवल नाम जप कीजिए, अभी इसी समय से शुरू कर दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कौन कौन राम से जुड़े हैं, नाम से जुड़े हैं और कौन कौन जपते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।